हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उन जैसे ही प्रश्न ये हैं, तो आज हम उनका अभ्यास करेंगे। बच्चों देखो, मैंने इसमें उत्तर नहीं लिखे हैं आपके लिए, आप उत्तर स्वयं लिखेंगे। मैंने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। पीडीएफ में मैं लिख कर भेजूंगी, लेकिन यहाँ आप ही लिखेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1। कौन सो रही थी? कौन सो रही थी? बिल्ली, लड़की, चूहा या चूहिया? तो कौन सो रही थी बच्चों? लड़की सो रही थी। लड़की कहाँ सो रही थी? लड़की पलंग पर सो रही थी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2। लड़की बिलख कर क्यों रोई? चींटी काट दी उसे, या डर गई, घबरा गई, या वो सोई हुई थी इसलिए रोई थी? देखो बच्चों, यहाँ इसका उत्तर आएगा कि उसको चींटी काट दी गई, उसको चींटी काटी इसलिए वह बिलख कर रोई। प्रश्न नंबर 3। लड़की किससे डर गई? लड़की किससे डर गई? किससे डरी बच्चों? देखो यहाँ दिल्ली लिखा गया, सॉरी, यहाँ बिल्ली आना है। बिल्ली से, चूहिया से, बालू से, भालू से, या अपने आप से? यहाँ भी भालू आना है। ये मैं आपको पीडीएफ में ठीक करके भेजूंगी, ठीक है बच्चों? तो यहाँ क्या आएगा? इसमें उत्तर आएगा, लड़की किससे डर गई? लड़की चूहिया से डर गई। किससे डरी? चूहिया से डरी। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4। लड़की ने चूहिया को कैसे हराया? लड़की ने चूहिया को कैसे हराया? हराया नहीं, डराया। लड़की ने चूहिया को कैसे डराया? म्याऊं म्याऊं कर, शोर मचाकर, छिप कर, या चिल्लाकर? तो कैसे डराया बच्चों? म्याऊं म्याऊं करके। प्रश्न नंबर 5। लड़की कैसे रोई? चिढ़कर, शोर कर, बिलख कर, या घबरा कर? लड़की बिलख कर रोई। क्या है इसका उत्तर? लड़की बिलख कर रोई। अब प्रश्न नंबर 6। किसकी नाक पर चींटी काटी? बिल्ली की, लड़की की, चिड़िया की, या बच्चों की? तो बच्चों यहाँ क्या आएगा उत्तर? यहाँ उत्तर आएगा कि लड़की की नाक पर चींटी काटी गई। प्रश्न नंबर 7। चूहिया किससे डर गई? चूहिया किससे डर गई? लड़की से, बिल्ली से, भालू से, या म्याऊं म्याऊं से? चूहिया तो म्याऊं म्याऊं कहने से ही डर गई। इससे डर गई बच्चों? म्याऊं म्याऊं कहने से। प्रश्न नंबर 8। लड़की ने चूहिया को भगाने के लिए किससे कहा? लड़की ने चूहिया को भगाने के लिए किससे कहा? माँ से, मौसी से, दादी से, या किसी से भी नहीं? तो किससे कहा था बच्चों? लड़की ने किसी से भी नहीं, क्योंकि लड़की ने चूहिया को भगाने के लिए तो किसी से भी नहीं कहा था। प्रश्न नंबर 9। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? हाथी से, शेर से, चीते से, या चूहिया से? देखो बच्चों, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है कि हमें किससे कितना डर लगता है, लेकिन चूहिया से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो बहुत तेज काटती है, उसके दांत बहुत पैने होते हैं। प्रश्न नंबर 10। चूहा किसकी सवारी है? देखो बच्चों, ये प्रश्न मैंने पाठ के अनुसार अपनी तरफ से दिया है कि चूहा किसकी सवारी होती है। चूहा शिव की सवारी होती है, पार्वती की, गणेश जी की, या कृष्ण की? तो चूहा किसकी सवारी है? गणेश जी की। तो बच्चों ये प्रश्न आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।